प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे। कार्यपत्र दो, तिथि है बच्चों 16 जुलाई 2021, कक्षा है बच्चों 8। बच्चों आज का उपविषय है राज्य सरकार का गठन। बच्चों राज्य सरकार का गठन मतलब राज्य सरकार हमारी कैसे बनाई जाती है। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। बच्चों भारत के हर एक राज्य में विधानसभा है। हमारे कितने राज्य हैं, तो हमारे 28 राज्य हैं। इनमें हर एक राज्य में एक एक विधानसभा होती है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। तो देखिए बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो निर्वाचन क्षेत्र है, जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, जो विधानसभा का सदस्य बनता है उसे हम बोलते हैं विधायक। चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों की ओर खड़े होते हैं, इसलिए विधायक अलग अलग राजनीति दल के होते हैं। जिस राजनीति दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल का बहुमत में माना जाता है। अब बच्चों, राजनीति दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र अगर वो जीत जाता है, तो उसी राज्य में उसी का बहुमत माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। अब बच्चों, जो बहुमत पक्ष होता है, बहुमत प्राप्त करता है, उसे हम राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष कहते हैं, और जो अन्य लोग बच जाते हैं उन्हें हम विरोधी पक्ष बोलते हैं। नीचे हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2017 के 68 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम, राजनीतिक दल चुने गए सदस्यों की संख्या, भारतीय जनता पार्टी BJP 44, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC 21, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1, निर्दलीय जो किसी पार्टी के नहीं हैं 2, कुल मिला के हो गए बच्चों यहाँ पे 68। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कम से कम कितने चुने हुए सदस्यों या विधायकों की आवश्यकता होगी। तो बच्चों देखिए, मैंने आपको यहाँ बताया कि बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कम से कम, यहाँ देखिए, आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीतना होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे, यह हमारा उत्तर होगा बहुमत प्राप्त करने के लिए निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला हमारा प्रश्न है, उपरोक्त में से कौन सा दल राज्य सरकार का गठन करेगा अथवा सरकार बनेगा। तो देखिए बच्चों, बहुमत किसके ज़्यादा है, BJP के, तो यहाँ हम लिखेंगे भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, यही हमारे राज्य दल की सरकार बनेगी, बीजेपी। ठीक है बच्चों, अगला देखिए बच्चों, उपयुक्त दलों में से कौन से दल विरोधी दल कहलाएंगे। तो विरोधी दल कौन से कहलाएंगे बच्चों, जो बच्चों यहाँ मैंने आपको बताया, बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको हम विरोधी पक्ष कहते हैं। तो यहाँ हमारा आएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस,
इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे, राज्य सरकार केवल अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले कार्यों को ही देखती है, जैसे राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पीने का पानी, बिजली आदि। भारत में कुल 28 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी अपनी विधानसभा है। तो देखिए बच्चों, आप सभी को मैं बताऊं, जो हमारी राज्य की सरकार होती है वो अपने राज्य के अंतर्गत जो जो काम आते हैं वही कार्य वो देखती है, जैसे कि राज्य की शिक्षा हुई, स्वास्थ्य हुआ, सड़कें हुई, पीने का पानी, बिजली, इन सभी को। और बच्चों हमारे भारत में 28 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी खुद की अपनी विधानसभा है। ऐसे कार्य जिनका असर पूरे देश पर पड़ता है। बच्चों ऐसे और भी कार्य होते हैं जिनका असर पूरे देश पे पड़ता है, जैसे पूरे देश, सीमाओं की सुरक्षा, रेल व्यवस्था, संचार, बैंक इत्यादि। ऐसे कार्य को केंद्र सरकार देखती है। बच्चों राज्य सरकार तो जो है वो अपने राज्यों के लिए देखती है, और केंद्र सरकार है वो पूरे देश के लिए देखती है। तो इनमें क्या क्या आते हैं बच्चों? सुरक्षा, रेल व्यवस्था, संचार, बैंक आदि। तो बच्चों इस तरह से देखिए, आप सभी की यहाँ पे वर्कशीट समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक बटन दबा करके आप सभी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और बच्चों जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए और लाल बटन दबा करके आप सभी मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।